everyone, welcome in my class. What we have discussed in our last class? Predecessor and successor. Predecessor and successor. ठीक है? And even number and odd number. So अपन ने देखा था कि even number जो होते हैं वो होते हैं जिनमें pairs बनते हैं और odd number वो होते हैं जिनमें pairs नहीं बनते हैं. ओके और इसी तरीके से अपन ने प्रेडिकेसर एंड सक्सेसर में देखा था कि प्रेडिकेसर क्या होता है कि जिस नंबर का अपने को प्रेडिकेसर पूछा है तो उस नंबर के पहले वाला नंबर क्या होता है उसका प्रेडिकेसर होता है. जैसे देखो 75 का पहले वाला नंबर क्या है 74. ठीक है इसी तरीके से सक्सेसर जो होता है इसमें क्या होता है जिस नंबर का सक्सेसर अपने से आज क्या है उस नंबर से जस्ट नेक्स्ट वाली जो डिजिट होती है वो क्या होती है सक्सेसर. जैसे 59 एंड 60 तो 59 का सक्सेसर क्या है 60. ओके टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज सी. ओके एक्सरसाइज सी में देखिए तो आपको इवन एंड ऑड नंबर का पता चल गया कि इवन नंबर कौन सा होता है तो ऑड नंबर कौन सा होता है. अब देखिए क्वेश्चन रीड कीजिए. टिक द इवन नंबर एंड क्रॉस द ऑड नंबर. अपने को क्या करना है इवन नंबर और इवन नंबर पे राइट टिक करना है और ऑड नंबर पे अपने को रॉन्ग टिक करना है. ठीक है ऑड नंबर पर क्या करना है रॉन्ग टिक करना है. अब अपन कल तो मैंने आपको बताया था कि पेयर्स जहां बनते हैं कंप्लीट पेयर बनते हैं वो तो होता है इवन नंबर और जहां पे कंप्लीट पेयर नहीं बनते हैं वो होता है ऑड नंबर. ठीक है अब अपन देखते हैं लेकिन अब आज मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप ऑड और इवन का इजीली पता कर सकते हैं. कैसे पता कर सकते हैं इवन नंबर में देखना कि जिस डिजिट का इवन नंबर अपने से आस्क किया है उस डिजिट का लास्ट नंबर देखोगे. ठीक है लास्ट नंबर को देखना है कि वो क्या है. ठीक है और फिर आपको देखना है कि जो लास्ट नंबर है वो टू की टेबल में आ रहा है क्या. अगर वो टू की टेबल में आता है इसका मतलब वो ऑड नंबर है वो डिजिट ऑड नंबर है और जो टू की टेबल में नहीं आता है वो डिजिट इवन सॉरी जो टू की टेबल में आता है वो तो क्या होता है इवन नंबर. क्या होता है इवन नंबर और जो टू की टेबल में नहीं आता है वो होता है ऑड नंबर. ये है इसकी ट्रिक जिससे अपन इजीली पता कर सकते हैं. ठीक है तो देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 1254 फर्स्ट डिजिट क्या है 1254 तो आपको देखना है इस डिजिट का लास्ट वाला नंबर क्या देखना है इस डिजिट का लास्ट वाला नंबर. तो देखो लास्ट वाला नंबर क्या है इसमें 4 है. क्या है 4 है. ठीक है तो अब आपको देखना है कि 4 जो है 2 की टेबल में आता है क्या. तो 4 2 की टेबल बोलिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इसका मतलब 4 जो है वो 2 की टेबल में आ रहा है. तो ये वाली डिजिट क्या हो गई इवन नंबर. क्या हो गई इवन नंबर. तो अपन यहाँ पे राइट टिक कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है इवन नंबर. ठीक है नेक्स्ट डिजिट देखिए 1100000 2650 तो इसमें क्या है जीरो है. अब आपको 2 से 10 तक तो पता लग जाएगा कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है. ठीक है क्योंकि अपन 2 की टेबल से पता कर लेंगे बट 0 और 1 में कैसे पता करेंगे. तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो 0 जो होता है वो तो क्या होता है इवन नंबर होता है और 1 क्या होता है ऑड नंबर होता है. ठीक है 0 क्या होता है इवन नंबर 1 क्या होता है ऑड नंबर. तो देखिए सेकंड वाली डिजिट में 2650 तो इसमें लास्ट नंबर क्या है 0 है. इस डिजिट में लास्ट नंबर क्या है 0 है. तो मैंने आपको बताया था 0 क्या होता है इवन नंबर और 1 क्या होता है ऑड नंबर. तो 0 आ गया इसका मतलब ये डिजिट क्या है इवन नंबर है. तो यहाँ पे अपन राइट टिक कर देंगे. ठीक है नेक्स्ट देखिए
4835। तो लास्ट वाला नंबर क्या है? 5 है। तो 5 देखिए 2 की टेबल में आता है क्या? 2 1 2 2 2 4 2 3 6, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, बट 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये कौन सी डिजिट हो गई? ये हो गए ऑड नंबर। कौन से नंबर हो गए? ऑड नंबर। तो यहाँ पे अपन क्रॉस मार्क लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए 1, 10, 100, 5,989। अब अपने को यहाँ पे लास्ट नंबर देखना है, तो क्या है लास्ट नंबर? 9 है। तो 9 ओड है या इवन है, कैसे पता करेंगे? 2 की टेबल बोलते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 और 2 5 10, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, बट 9 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन? क्रॉस मार्क लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1, 10, 100, 9,979। तो लास्ट नंबर क्या है इसमें? 7 है। तो बताइए 7 2 की टेबल में आते हैं क्या? 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, बट 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। तो यहाँ पे अपन क्रॉस मार्क लगा देंगे। तो जैसे मैंने ये 4 क्वेश्चन करवाए हैं आपको, 5 क्वेश्चन करवाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप ये 5 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद को करने हैं। ठीक है, कर लोगे ना? वही 2 की टेबल की ट्रिक से आप कर सकते हैं, या फिर पेयर वाली ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द इवन नंबर बिटवीन। अपने को क्या करना है? 15 से 50 तक देखना है कि इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। 15 से देखो, 15 से काउंटिंग करना स्टार्ट कीजिए। 16, 17 नहीं होते, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और ये 50। ठीक है, तो देखिए कैसे पता, अपन ने क्या किया है यहाँ पे 15 से 50 तक काउंटिंग क्या की? स्पीक की। उससे अपने को पता लगा कि ये जो है इवन नंबर होते हैं। ठीक है, इनके बीच में कौन कौन से इवन नंबर होते हैं। कंटिन्यू आप काउंटिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनके जो इवन नंबर है वो कौन कौन से होते हैं। अब देखिए चेक करते हैं कि ये सभी इवन नंबर ही है क्या। तो देखिए सभी देखते हैं कि सबके लास्ट वाला जो नंबर है वो 2 की टेबल में आता है क्या। 6 भी 2 की टेबल में आता है, 8 भी आता है, 0 इवन नंबर होता है, 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है और 8 भी आता है। और वही 0 इवन नंबर होता है, 2 भी आता है 2 की टेबल में, 4 भी आता है और 6 भी आता है, 8 भी आता है, 0 भी आता है, 2, 4, 6, 8, 0। ठीक है, ये जो है 2 की टेबल में आते हैं, इसलिए ये क्या हो गए? इवन नंबर। अब अपन देखते हैं 35 to 70। ठीक है, कि ये यहाँ जो है इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, सॉरी ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं। तो अपने को 35 से 70 तक काउंटिंग करनी है और देखना है कि ऐसे नंबर राइट करने हैं जिसका लास्ट वाला जो नंबर, ऐसी डिजिट राइट करनी है जिसका लास्ट वाला नंबर 2 की टेबल में नहीं आता हो। तो चलो देखते हैं ना, 35, 36, 37, 38, 39,
9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और ये 70, ठीक है। 72 से अब देखिए लास्ट वाला नंबर देखिए सबका जो ऑड नंबर है क्या, तो ये क्या ऑड नंबर किसे कहते हैं, जिसका लास्ट वाला जो नंबर है वो जिस डिजिट के लास्ट वाला नंबर 2 की टेबल में नहीं आता उसे ऑड नंबर कहते हैं। तो अब आपको देखना है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं इनका लास्ट वाला नंबर 2 की टेबल में आता है या फिर नहीं आता। 7 नहीं आता 2 की टेबल में, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7 ये सब क्या होते हैं 2 की टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग, जिसको 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग आती है वो सक्सेसर एंड प्रेडिकेसर वाला क्वेश्चन इजीली कर सकता है। कैसे कर सकता है देखिए, सबसे पहले आपको करनी है इनकी रीडिंग, तो चलो रीडिंग करते हैं। 1, 10, 100 कितने हैं ये 319, कितने हैं 319। सक्सेसर मींस जस्ट आफ्टर में आने वाला नंबर अपने को राइट करना है। क्या करना है, सक्सेसर मीन जस्ट आफ्टर में आने वाला नंबर राइट करना है, ठीक है। जस्ट आफ्टर में आने वाला नंबर राइट करेंगे तो 319। अब लास्ट वाला नंबर देखना है अपने को, क्या देखना है बेटा, लास्ट वाले 2 नंबर देखने हैं अपने को। स्टार्टिंग के नंबर से कोई मतलब नहीं है, सक्सेसर एंड प्रेडिकेसर के क्वेश्चन में अपने को लास्ट वाले 2 नंबर ही देखने हैं। तो लास्ट वाले 2 नंबर देखिए 19, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 320, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 888, तो आपको 8 नहीं देखना है, आपको देखना है 88 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 8, तो एज इट इज जैसे कैसे राइट कर देंगे, और यहाँ पे 88 है तो यहाँ पे क्या आएगा 89, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए 3255, इसका मतलब 3 और 2 तो एज इट इज जैसे कैसे राइट कर देना है। फिर देखिए 55, तो यहाँ पे क्या आएगा 56, ठीक है। अपने को ओनली लास्ट वाले 2 नंबर देखने, उससे पहले वाले नंबर एज इट इज जैसे कैसे ही राइट कर देने हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 5 और 1 तो एज इट इज जैसे कैसे ही राइट कर दो। अब लास्ट वाले 2 नंबर देखेंगे तो 40 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 41, ऐसे ही इसको करना है। 46, 53, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 54, ठीक है। तो आपको ये समझ आया। अब आपको एफ जी एच ये 3 क्वेश्चन हाउस से करके लाने हैं, कर लाओगे ना, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अपने को क्या करना है स्टार्टिंग वाले 2 नंबर तो ऐसे की ऐसे राइट कर देने हैं और लास्ट वाले 2 नंबर देखने हैं कि वो क्या है। जैसे ये 3 है तो यहाँ पे क्या जाएगा 4404, क्या जाएगा 4404, यहाँ पे 6285, तो आपको करना है 6286, यहाँ पे 8728, तो आपको करना है 8729। आपको ओनली लास्ट वाले 2 नंबर ही देखने हैं, चाहे वह सक्सेसर का क्वेश्चन हो या फिर प्रेडिकेसर का क्वेश्चन हो, ठीक है। अब देखते हैं प्रेडिकेसर के क्वेश्चन। 523, प्रेडिकेसर मीन्स क्या होता है पहले तो मुझे ये बताइए, जिस नंबर का प्रेडिकेसर अपने से आज क्या है उस नंबर के जस्ट पहले वाला नंबर क्या होता है प्रेडिकेसर। तो देखिए 523, इसको भी अपन ऐसे ही करेंगे, स्टार्टिंग वाला नंबर तो ऐसे कैसे ही राइट कर देंगे, लास्ट वाले 2 नंबर है वो क्या है 23, तो यहाँ पे क्या आएगा 22, पहले वाला नंबर राइट करना है। यहाँ पे तो अपन अगर ये सक्सेसर भी पूछते तो अपन करते हैं यहाँ पे 524, बट यहाँ प्रेडिकेसर पूछा है तो अपन क्या करेंगे 523,
टू, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, सिक्स और टू को तो ऐसे की ऐसे ही राइट कर देंगे। फिर देखिए नाइन फोर, 94, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 93, पहले वाला करना है ना अपने को 93, 94, और यहाँ पे कैसे करते हैं 40 और 41, 88, 89, 53, 54, और यहाँ पे करना है अपने को 93, 94, इधर से इधर। फिर देखिए सी वाला क्वेश्चन, 75, तो ऐसे की ऐसे ही राइट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 67, तो यहाँ पे क्या आएगा 64, यहाँ पे देखिए 52, तो ऐसे कैसे राइट कर देंगे। फिर 18 यहाँ पे है, तो अपन यहाँ पे राइट करेंगे 17, क्या राइट करेंगे 17, ठीक है। तो आपको ई एफ जी एच वाले क्वेश्चन करके लाने हैं हाउस से, कैसे जैसे मैंने अभी समझाया उसी के अकॉर्डिंग आपको हाउस से करके लाने हैं। बिल्कुल इजी तरीका है कि स्टार्टिंग वाले नंबर ऐसे कैसे राइट कर दो, लास्ट वाले नंबर को देखो कि कौन सा है, तो उसके जस्ट पहले वाला, अगर सक्सेसर पूछा है तो उसके जस्ट पहले वाला नंबर राइट करो, और प्रेडिकेसर पूछा है, सॉरी अगर सक्सेसर पूछते हैं तो अपने को उससे बाद वाला नंबर राइट करना है, और प्रेडिकेसर अगर अपन से आस्क करते हैं तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर राइट करना है। आर यू अंडरस्टूड? ओके, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क आपको हाउस से करके लाना है। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेन टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।